जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर यूं कहें कि यहीं से ही परीक्षा में सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है पूछे जाते हैं। हम पॉलिटी की एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे, फिर जो जिस चैप्टर से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उसे कवर करते हुए एक बार पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यहाँ पे और कुछ नहीं आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि किस अनुच्छेद का क्या मतलब है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? भारत भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि बहुत से राज्य मिला के भारत को एक यूनियन बनाया गया है। यूनियन को तोड़ना आसान नहीं होता है। आप यूं समझिए कि जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख दिया जाए तो कन्फेडरेशन बनता है, अगर उसमें सीमेंट लगा दिया जाए तो वो फेडरेशन हो जाता है, अगर उसे पूरी तरीके से प्लास्टर कर दिया जाए तो वो यूनियन हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर वाली दीवार तोड़ना आसान नहीं होता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का भारत में विलय, विदेशी राज्यों का भारत में विलय विलय, यानी कि अगर भारत की संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। इसके लिए ये संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि अगर आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जा रहा है तो वो 368 के अंतर्गत नहीं लिखा जाएगा, उसे सिर्फ राष्ट्रपति से एक पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 2। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी भारत के राज्य के सीमा में नाम परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा परिवर्तित कर सकता है, और किसी भी राज्य को तोड़ के कोई अन्य राज्य भी बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 3 कहता है, यानी कि नाम सीमा में परिवर्तन, नाम सीमा में परिवर्तन कहाँ, राज्य, किसी भी राज्य का। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो यूपी से यूके तोड़ दिया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया, और नाम में अगर नाम देखना चाहें कि नाम कहाँ से परिवर्तित हुआ है तो उड़ीसा से ओडिशा हो गया, उड़ीसा से ओडिशा, ओडिशा। भाग 1 से यही अनुच्छेद बनते हैं तीनों। 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 विदेशी राज्यों का भारत में विलय, और 3 भारतीय राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तित कर सकती है, संसद को अधिकार है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 5 पे। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? शुरुआत में मतलब कि प्रारंभ में नागरिकता, शुरुआत में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब प्रारंभ में नागरिकता, ये आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 यहाँ तक आप नोट कर लेंगे या फिर वीडियो को बार बार सुन लेंगे। अब आते हैं हम आगे के अनुच्छेद पर। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कम समय में आपका जल्दी कवर हो जाए सब कुछ। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप ले लेंगे, किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसी भी आप विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि आप किसी दो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? नागरिकता रिलेटेड कानून संसद बनाएगी। और अगर आपसे स्पेसिफिक देकर पूछ दे कि कौन सा मंत्रालय बनाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय।
गृह मंत्रालय, यानी कि आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लिए, किसी विदेशी देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे वो उसका अधिकार संसद को है। अगर स्पेसिफिक रूप से पूछ देता है कि किस मंत्रालय के है तो आप वहाँ पे गृह मंत्रालय मारेंगे, जिसके हेड अभी गृह मंत्री जो हमारे कौन है, अमित शाह जी हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल नंबर 12 में है। आर्टिकल नंबर 13 है अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि आपको मौलिक अधिकार तो है कि जैसे कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी है, आपको कहीं चले जाने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे। आप ये कह के कि हमें तो घूमने की आज़ादी है तो आप वहाँ नहीं घूमेंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे का जो है मौलिक अधिकार जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे अल्पीकरण हो जाएगा, आपके अधिकार को रोक दिया जाएगा क्योंकि आप दूसरे के अधिकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है विधि का समान संरक्षण या फिर कानून का समान संरक्षण, या ये भी लिख सकते हैं कि कानून के सामने सभी समान है, यानी कि जो कानून है सबको एक जैसे ट्रीट करेगा, ये नहीं है कि जाति धर्म लिंग आधार पर वो अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अब आते हैं हम लोग आगे, आर्टिकल नंबर 14 तक हम कर चुके हैं, अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति लिंग धर्म और जन्म स्थान, इस आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि ना जाति पर आपके भेदभाव किया जाएगा, ना लिंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना ही आप कहाँ पे जन्म लिए हैं इस आधार पर आपसे भेदभाव किया जाएगा, ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 कहता है। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 16 पे। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि अवसर की समानता का मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो सबको समान अवसर दिया जाएगा कि आप नौकरी लें, तो वहाँ पे अवसर की समानता हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन ये आ जाता है कि इसी आर्टिकल में आरक्षण की चर्चा कर दी गई है। अब आरक्षण सही है या गलत है ये जब हम डिटेल रूप से पॉलिटी को की बहस को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि आरक्षण सही है या गलत है, और अगर आरक्षण दिया गया है तो क्यों दिया गया है, और यहाँ अगर अवसर की समानता की बात की जा रही है तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शनल चीज़ें डाल क्यों दी गई हैं। तो ये रहा आर्टिकल नंबर 16। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 17 आपका क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अस्पृश्यता का अंत, सीधा लिखते हैं सरल भाषा में, छुआछूत का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी। अगर आपको अब भी कोई छुआछूत कर रहा है कि आप मुझे मत छुए, मेरे यहाँ पानी मत पीजिए, कुआं पर आके इस कुएं का पानी मत पीजिए, फला जाति के लिए रिजर्व है, तो वो आपके मौलिक अधिकार का हनन है। आर्टिकल नंबर 17 को लेकर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 18 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 18
आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, जैसे कि पहले महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो उन उपाधियों का अंत है। अगर आपको विदेशी उपाधियां लेनी है या कुछ लेना है तो आपको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। तो आर्टिकल 18 हमारा ये कहता है कि उपाधियों का अंत, आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे किन चीज़ों को छोड़ के, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्टरेट की उपाधि हो गई तो वो पढ़ाई से रिलेटेड आप उसे ले सकते हैं, सेना से रिलेटेड जो उपाधियाँ हैं आप उसे ले सकते हैं, वो इसमें नहीं आता है। भारत रत्न वो उपाधि नहीं है, वो सम्मान है, तो वो इधर यहाँ आर्टिकल 18 में नहीं गिना जाएगा। आर्टिकल नंबर 19, अब आर्टिकल नंबर 19 में क्या है कि यहाँ कई प्रकार की आज़ादी दी गई है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 में छः चीज़ें हम जानेंगे। पहले में क्या, पहली आज़ादी ये है कि बोलने का अधिकार दिया गया है हमें, बोलने का अधिकार, यानी कि आपके मन में जो है आप उसे बोल सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मान लीजिए आप चोरी चोरी बात कर रहे हैं, किसी से आपकी शादी हो गई और आपकी पत्नी ने आपको पकड़ लिया, तो अब वो आपका बाल उपार के पीट दी कचर के एकदम, तो जब वो आपको पीट देगी और पूछेगी आप बताइए किससे बात कर रहे थे, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, तो वो तो अपने बोलने का अधिकार का यूज कर रही है। लेकिन यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुप रहने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, तो आप चुप भी रह सकते हैं, लात खाने के बाद भी आप चुप रह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 19(1) के तहत राइट टू कीप क्वाइट के अंतर्गत मैं अपना अधिकार यूज कर रहा हूँ। तो ये है बोलने का अधिकार। अब आते हैं दूसरा, अब आप अगर बोल लिए तो सभा करेंगे, सभा करने का अधिकार। आप कोई, जैसे सभा तो करेंगे आप, लेकिन वहाँ पे अगर अस्त्र शस्त्र लेके वो करेंगे, सभा करेंगे, तो वहाँ पे रोक दिया जाएगा आपको। तो हर चीज़ की लिमिटेशन है, ये नहीं कि आपका फंडामेंटल राइट है तो आप कुछ भी कर देंगे, हर चीज़ की लिमिटेशन है। सभा कर लिए, सभा करने के बाद आप क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने का आपको अधिकार दिया जाएगा, शायद यहाँ से नहीं आ रहा है तो इधर देखते हैं, संगठन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, घूमने का अधिकार। उसके बाद घूमने के बाद आप वहाँ बसेंगे, फिर तो कहीं भी बसने का अधिकार। उसके बाद एक हमारा फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, जो कि 19 के छठवें भाग में आता था, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये नहीं रहा है, अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, और इसे हटा के 300A में डाल दिया गया है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। और राइट टू प्रॉपर्टी को अब बना क्या दिया गया है, कानूनी अधिकार। और फंडामेंटल राइट में इतना अंतर होता है कि फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसे सरकार को बाध्य होना पड़ेगा देने के लिए। अगर सरकार वो नहीं कर रही है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के हनन पे। लेकिन अगर वो कानूनी अधिकार है तो सरकार की इच्छा है कि अगर आपको वो देना चाहे तो वो देगी, नहीं देना चाहे तो वो नहीं देगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A में डाल दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बन चुका है, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 19 तक, ये 6 तक हो गया। अब एक इसमें और बचता है, सातवां बचता है, यहां भी नहीं आ रहा है तो यहां ऊपर लिखते हैं 19 का सातवां, 19 का सातवां जो है, सातवां में क्या आता है, व्यवसाय कि आप कहीं भी हैं, जिस जगह है हिंदुस्तान के वहाँ आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो पहला क्या है, बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, और प्रॉपर्टी की आज़ादी जो थी आपको वो ख़त्म कर दी गई है, और व्यवसाय करने की आज़ादी आपको है। जैसे कि महाराष्ट्र में पहले मार के भगा दिया जाता था, उत्तर प्रदेश के कोई लोग रहते थे, कोई जो यूपी बिहार वाले थे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, तो उनका जो है ये मौलिक अधिकार का हनन किया जाता था। लेकिन अब इतनी जागरूकता तो लोगों को थी नहीं,
तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाता था और सरकार भी चुपचाप बैठी रहती थी। तो इस तरीके से ये आपका 19 था। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 20, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा इसलिए रखा गया है ताकि आप सब कुछ कवर कर लें और इस वीडियो को आप 2-4 बार 6 बार 10 बार सुन लेंगे तो आपको ये सब इन सब चीज़ों से झंझट खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना होगा कि जब इस तरीके से अब तब आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि जैसे कि इमरजेंसी लगती है तो कितने दिन में अनुमोदन होगा, राज्यसभा है और राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, अगर लोकसभा भंग हो गई तो कितने समय में इमरजेंसी को हमें पास कर देना होगा कि इमरजेंसी आगे बढ़ जाए, तो ये सब पढ़ना होगा। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो सब चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, तो आसानी से पेटो वगैरह के लिए एग्ज़ाम के लिए जहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पूछते हैं वहाँ के लिए बड़ा कारगर हो जाएगा किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 20 में।